सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हम आपको कंप्लीट कोर्स साइंस का चार वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने पहला वीडियो अभी तक देखा है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज जो है उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 12 से। पॉइंट है आपका धातु को संक्षारण से बचाना। संक्षारण कहते हैं हम धातुओं को नष्ट होने से बचाना, तो उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है पेंट का लेप लगाकर, दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा है गैल्वोनीकरण या इसे हम कहते हैं धातु चढ़ाना। डायरेक्ट आपसे काफ़ी बार गैल्वोनीकरण पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिघले हुए जस्ते में डुबो कर जो धातु होती है उसके ऊपर एक लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है, इसी को हम कहते हैं गैल्वोनीकरण। इससे क्या होता है, जब एक लेयर चढ़ जाती है तो जो धातु है वो संक्षारण यानी कि नष्ट होने से बच जाती है, तो ये आपका हो जाएगा गैल्वोनीकरण। और चौथा है विद्युत लेपन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको याद क्या रखना है, क्रोमियम या टिन की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ही मैंने यहाँ पर लिख रखी है ताकि आपको ज़्यादा ना याद रखना पड़े। मेन आप याद रखिएगा कि क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। विद्युत लेपन का ही एक मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख रखा है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत जम जाने से चमक जो है उसकी नष्ट हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है ताकि जो धातु है उसको संक्षारण से बचाया जा सके। और अगला पॉइंट देखते हैं पांचवा, और पांचवा है हमारा मिश्र धातु बनाकर भी आप जो धातु है उसको संक्षारण यानी कि नष्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए मिश्र धातु मिलाने से क्या होता है, धातु जो है वो अधिक कठोर हो जाती है। जैसे कि स्टील है उसमें यदि बात करें तो लोहा और कार्बन इनका मिश्रण होता है, और जो इसमें मिश्रण होता है उसका रीज़न क्या होता है कि जो जंग है वो स्टील में नहीं लगती है, जैसे कि स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है और पीतल के भी बर्तन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार कांसा की बात करें तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तो इससे जो है वो सिक्का बनाए जाते हैं, मेडल बनाए जाते हैं, तो ये सभी जो है वो कांसा के एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बहुविकल्पी में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि जो कांसा है वो किनका किनका मिश्रण है, तो ये जो मिश्रण है इनको अवश्य ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 13 की तरफ। मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि एक पॉइंट पे हम 11 पॉइंट की टोटल बात करेंगे, यानी इस पॉइंट में 12 नंबर पॉइंट से 22 नंबर पॉइंट तक हम देखेंगे, तो ये अभी हमारा 13 पॉइंट है मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम एलॉय कहते हैं। ऊपर हमने अभी मिश्र धातु के एग्जाम्पल देखे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक धातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएँ परस्पर मिल जाती हैं तथा एक समांग मिश्रण बनाती हैं, इसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो डेफिनेशन पूछी जाए तो भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अब 14 पॉइंट आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि परमाणु भार के आधार पर जो है वो इसमें रखा गया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया था। बात करें डेफिनेशन की तो तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक में इसी की जगह आपका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट 15 की तरफ। 15 पॉइंट है आपका डोबरनियर का त्रिक नियम। डोबरनियर का त्रिक नियम जो है इन्होंने बताया था कि जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप जो तत्व हैं उनको रखते हैं तो उसमें कुछ आपको जो त्रिक नियम है वो दिखाई देता है। त्रिक नियम कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन तत्व लिखे हुए हैं, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। अब यहाँ पर लिथियम का आप देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 7, सोडियम का 23 और के यानी पोटेशियम का 39। तो इन्होंने ये बताया था कि पहला और आखिरी का जब आप योग करेंगे और उसका आधा करेंगे तो बीच वाला आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7+39/2। तो
इसका मान बीच वाले के बराबर यानी 23 देखे सोडियम के बराबर आ रहा है। तो इस आधार पर इन्होंने अपना डोबरनियर का त्रिक नियम दिया था। या आप ये भी कह सकते हैं इन तीनों संख्याओं का आप माध्य निकाल रहे हैं तो आपका बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इन्होंने परमाणु भार को इसी आधार पर बताने का यहाँ पर प्रयास किया था। डोबरनियर का ये जो है वो त्रिक नियम था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 16 की तरफ, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करें तो यहाँ पर जो अष्टक लिखा है इसी पर आधारित इनका नियम था। इनका मानना था कि गुणों की पुनरावृत्ति जो तत्व हैं उनके आठवें तत्व या प्रत्येक आठवें तत्व में होती है। यहाँ से आप हाइड्रोजन से देखिए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, यानी कि आठवें पर आ रहा है। इसी प्रकार और आगे आप बढ़ेंगे सात के बाद क्लोरीन पर, यानी कि 15 पर आप जब आएंगे तो इसी प्रकार इन्होंने ये बताया था कि जो प्रत्येक आठवें नंबर पर जो आ रहा है उनके गुण जो हैं उनमें समानता पाई जाती है, यानी उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस आधार पर न्यूलैंड का अष्टक नियम इन्होंने दिया था। परंतु इन्होंने ये जो अपना नियम दिया था इसमें ये भी इनका देखने को मिलता है कि 18वां तत्व तक ही जो है इनके गुण जो हैं वो मिलते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं मिलते हैं। बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट 17 की तरफ, मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी। सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, पूछा जाता है आपसे बहुविकल्पी में कि मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी आखिर दी किसने थी। तो मोजले ने जो है वो दी थी मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जो मेंडेलीव की कह सकते हैं आवर्त सारणी थी उसमें आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या ये पूछी जाती है। तो 7 आवर्त और 9 वर्ग या समूह थे जो पहले वाली थी। परंतु आधुनिक वाले की बात करें तो आधुनिक में 18 वर्ग और 7 जो है वो आवर्त हैं। ये ध्यान रखिएगा आधुनिक वाले ही आपसे अधिकतर पूछी जाती हैं। जब आपसे कहा जाए आधुनिक आवर्त सारणी मेंडेलीव की उसमें आपको वर्ग और आवर्त की संख्या बतानी है तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये है आधुनिक आवर्त सारणी की। और यदि आपसे पूछा जाए मेंडेलीव की केवल आवर्त सारणी तो ये जो है आपका 7 आवर्त और 9 वर्ग या समूह। कहीं कहीं ये जो 9 वर्ग या समूह है इनको 8 लिख दिया जाता है क्योंकि एक अक्रिय गैस जो है उसको इसमें नहीं दर्शाया जाता है, तो आप अलग से भी इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं अब आगे 18 पॉइंट में, मेंडेलीव की आवर्त जो सारणी है उसके लाभ। अब देखिए लाभ में पहला है सही परमाणु भार ज्ञात करने में। सही से तात्पर्य है कि पहले क्या था, बहुत से ऐसे परमाणु थे जिनका परमाणु भार कुछ माना जाता था, परंतु समय के साथ ऐसा का ज्ञात हुआ कि वो जो परमाणु भार माना जाता था वो गलत है। तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी से सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता हुई। इसके अलावा नए तत्व जो है उनकी खोज तथा अनुसंधान में भी हेल्प मिली। बहुत से नए तत्व जो है बाद में खोजे गए। दोष की बात करें तो जो समान तत्व हैं उनको अलग अलग रखना ये इनके दोष में है। जैसे कि कुछ तत्व थे पारा, कॉपर, तो इनमें जो है कह सकते हैं गुणों में समानता भी थी, फिर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया था, तो ये इसका एक दोष हो जाएगा। अगला है असमान तत्वों को एक साथ रखना। इसमें क्या था कि क्षार धातुएं जैसे थीं और सिक्का धातुएं, जैसे सिक्का धातुएं में हमारी कॉपर आती है, तो इनके गुण काफ़ी अलग अलग थे, फिर भी इन्हें आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में ही रखा गया था। तो ये सभी असमान तत्वों को एक साथ रखने में जो दोष है उसमें आ जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का स्थान को लेकर भी दोष था कि इनके गुण हैलोजन से भी मिलते थे जबकि इन्हें रखा जो है वो फर्स्ट वर्ग में था। हैलोजन हम किनको कहते हैं, जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो हैं वो आपके हैलोजन होते हैं। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। इसके अलावा अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है वो बना सकें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगला पॉइंट 19 है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व की बात करें तो कहते किसे हैं इसे समझिए। तो चौथे, पांचवे तथा छठवें आवर्त में जो तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं।
बात करते हैं जो इसके अंतर्गत इसके पॉइंट हैं। यदि इसके बारे में पूछ रहा है संक्रमण तत्व के, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये विभिन्न संयोजकता दर्शाते हैं, ये इसके लक्षण या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो संयोजकता क्या होता है? संयोजकता को यदि आप सरल सी भाषा में कहें तो किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। उत्प्रेरक अगला है। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे कि रिएक्शन कोई होती है उसमें यदि उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो रिएक्शन की जो गति होती है वो जो है उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं। केमिस्ट्री लैब में आपने जो प्रैक्टिस है वो की भी अवश्य होगी, हाई स्कूल इंटर पर यदि आपने केमिस्ट्री ली होगी। अगला है एक जैसे चुंबकीय गुण भी जो है ये दर्शाते हैं, तो ये हो गया हमारा संक्रमण तत्व। इसके अलावा ये दर प्रारूपिक तत्व भी लिखा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो तीसरे तत्व के Na यानी सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के सभी तत्व आपके प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट 20 की तरफ कि किसी वस्तु का धन आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए किसी वस्तु का धन आवेशित होना क्या प्रदर्शित करता है, तो उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी। और यदि यहाँ पर लिखा होता है किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना, तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है किसी वस्तु का यदि ऋण आवेशित होना है तो उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की तब क्या हो जाएगी? अधिकता। तो धन आवेशित होगा तो कमी प्रदर्शित करेगा, ऋण आवेशित होगा तो अधिकता प्रदर्शित करेगा। अगला पॉइंट 21 है विद्युत आवेश संरक्षण नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण नियम जो है कुछ मिलता जुलता आपका ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है उसी के जैसा है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। जैसे कि आपका ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, उसी से मिलता जुलता जो है ये है। तो आवेश जो है इसकी अगर बात करें जैसे कि कांच है, रेशम है, जब आप इसको रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना तो इन आवेशों का उत्पन्न हो रहा है ना तो ये नष्ट हो रहे हैं, जबकि एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये आपका वैद्युत आवेश संरक्षण नियम होता है। बढ़ते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ 22। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है और एक माइक्रो कूलाम जो है उसका मान 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा ये सभी बहुविकल्पी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट समाप्त होता है। 22 पॉइंट तक हमने बात कर ली, आगे के 11 पॉइंट हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो बेकार ना जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।